विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चमोली की घटना पर दुख जाहिर किया है। इस दौरान किस्को प्रखंड अंतर्गत चोटांगी बोठहट गांव पहुंचकर चमोली में हुए जल प्रलय के शिकार पीड़ित परिवार जनों से उन्होंने मुलाकात की। पीड़ित परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया और घटना की पूरी जानकारी ली। जो घटनाएं घटी है बड़ा दुखद है, मैं सबके परिवारों के प्रति तो संवाद करते हैं और आज जो भी इनको जानकारी मिली तो मैं इतना कह सकता हूँ कि एक एक परिवारों के घरों तक गए तो उन लोगों की जो दशा को भी मैंने देखा। तो एक तो हम राज्य सरकार से भी चाहेंगे क्योंकि यहाँ के मजदूर तो गए हुए तो राज्य सरकार उनके परिवार जो आश्रित है उन लोगों को कम से कम 5 लाख रुपये की सहयोग राशि शोक संतप्त परिवारों को सरकार को से मिलनी चाहिए। और साथ ही प्रोजेक्ट किसका है, शायद NTPC का है, तो हम उससे भी बात करेंगे। जैसा लोग बता रहा था कि NTPC का है, कोई जानकारी नहीं है, तो उससे भी बात करेंगे कि NTPC के ओर से ये ठीक है, मजदूर तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहे होंगे, किसी ठेकेदार के माध्यम से लोग गए होंगे, लेकिन काम तो NTPC का ही लोग कर रहे हैं, तो उनके ओर से भी सहयोग उस परिवार को मिले, उसकी अपनी ओर से हम सब लोग प्रयास करेंगे। वही कृषि बिल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग केवल लोगों को भटका रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने तो पहले ही कह दिया है कि MSP पहले भी थी और भविष्य में भी रहेगी। किसानों को उचित उपज मूल्य मिल सके इसके लिए उसे स्वतंत्र कर दिया गया है। भाई कृषि बिल में जब देश के प्रधानमंत्री बार बार कहा, देश के जो कृषि मंत्री है उन्होंने भी कहा कि भाई आप ये तो बतावे उस कृषि बिल में कौन सी धारा किसानों के हित में नहीं, हम उसको अमेंड करेंगे, तो बता नहीं रहे। क्योंकि पूर्व से जो कानून लागू है उसको तो कहीं सरकार ने हटाए नहीं है, बल्कि सरकार ने नए ऑप्शन लोगों को दिए कि भाई आप मंडी में भी बेच सकते हो या मंडी के बाहर भी बेच सकते हो, किसान स्वतंत्र है जहां उनको अच्छे दाम मिले, तो कहां उसमें से दिक्कत। MSP के बारे में सरकार ने बार बार कहा है कि भाई MSP पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगी। MSP को हम हटाने नहीं जा रहे, बल्कि इस साल भी सबसे अधिक खरीदारी सरकार ने की। कांग्रेस का जितना जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 2014 का, कितनी वो खरीदारी करते थे, और 14 के बाद आप देखेंगे कि कितनी प्रत्येक साल सरकार ने खरीदारी की, वो स्पष्ट है। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होता, ताकि कोई भी उद्यमी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं बीच में भाग जाएंगे तो उसको पकड़ा जा सके, पहले उसको पकड़ में नहीं आते थे। तो पूर्व में जो चल रहा था उसको तो सरकार ने कुछ भी समाप्त नहीं किया है, बल्कि उनमें से और किसानों को एक सहूलियत दे दी, तो ये लोग जानबूझ कर के लोग तो कुछ बोलते नहीं है। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को आई प्राकृतिक आपदा के बाद लापता झारखंड के 14 मजदूरों में से एक मजदूर का शव गुरुवार को बरामद हो गया है। शव की पहचान लोहरदगा के मजदूर 26 साल के विकी भगत के रूप में हुई है। लोहरदगा से आनंद कुमार, पंजाब केसरी TV।